नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम एक बहुत ही स्वादिष्ट ऐसे डेजर्ट बनाने वाले हैं जो सबको पसंद आती है, जो है शाही दूधी का हलवा। ये बहुत ही आसान है बनाने के लिए। इसको लगने वाले इंग्रेडिएंट्स बहुत ही कम हैं। आपको सिर्फ लौकी चाहिए, दूध चाहिए, थोड़ी थोड़े ड्राई फ्रूट्स चाहिए, और अगर आपके पास मावा हो तो भी इसका स्वाद अच्छा बनता है, और आपको थोड़ी शक्कर चाहिए। तो ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनने वाली और बहुत ही टेस्टी ऐसी स्वीट डिश है। तो ज़रूर वीडियो एंड तक देखिए, और चलिए देखते हैं इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। दूधी हलवा बनाने के लिए जिस सामग्री की ज़रूरत है वो इस प्रकार है। ये करीबन 1/2 किलो दूधी है, ये 100 ग्राम पनीर है कॉटेज चीज़ जो हमने घर पर बनाया है, ये करीबन 100 ग्राम बारीक पिसी हुई शक्कर है, एकदम बारीक नहीं है लेकिन ये मीडियम है, और ये ड्राई फ्रूट मिक्सचर है, ये थोड़े काजू है, बादाम की पाउडर है और अखे बादाम भी है, और ये इलायची पाउडर है जो हमें गार्निशिंग के लिए चाहिए। तो अब हम इस दूधी को यानी कि बॉटल गॉर्ड को किसेंगे, यानी कि इसको ग्रेट करेंगे, फिर आगे की रेसिपी देखते हैं। हमने दूधी को अभी कद्दूकस कर लिया है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे एक पतीला रखा है गैस पे और वो मीडियम फ्लेम पे गर्म हो रहा है। इसमें मैं करीबन 2 टेबलस्पून घी डालूंगी। घी से हलवे को बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। ये अब हमारा घी गर्म हो गया है और जो हमारा हलवा था इससे इसको इसमें मिलाएंगे। ये हमने अभी दूधी को घी का तड़का दे दिया है और इसमें हम अब जो हमारा दूध है उसे मिलाएंगे और जो हमारी शक्कर है उसे भी मिलाएंगे। आप शक्कर की क्वांटिटी आपके स्वाद अनुसार चेंज कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा फीका हलवा चाहिए पसंद है तो उसे आप वैसे बना सकते हैं, या फिर थोड़ा और ज़्यादा मीठा चाहिए तो वैसे भी आप बना सकते हैं। हम अब इस दूधी और सब जो हमने शक्कर और घी और दूध मिलाया है इसे अच्छे से पकाएंगे और फिर आगे की रेसिपी देखते हैं। आपको इसको कॉन्स्टेंटली हिलाना है, कॉन्स्टेंटली स्टर करना है, नहीं तो फिर ये जो हमारा दूध है वो नीचे लग सकता है और जल सकता है। इसलिए आपको ये मिक्सचर को कॉन्स्टेंटली हिलाते रहना है जब तक ये पानी रिड्यूस ना हो जाए और एक गाढ़ा ऐसे पाक बन जाता है। तो वैसे आपको इसको कॉन्स्टेंटली हिलाना है। अब मैंने थोड़ा गैस ज़्यादा बढ़ा दिया है, आप देख सकते हैं मीडियम के आगे है गैस, और जब गैस थोड़ा हाई होता है तब इसे कॉन्स्टेंटली हिलाते रहिए। ये आप देख सकते हैं हमारा मिक्सचर बहुत ही गाढ़ा हो गया है और हमने इसको कॉन्स्टेंटली हिलाया है, स्टर किया है, इसलिए नीचे भी नहीं लगा है बिल्कुल। और करीबन 20 मिनट हो गए हैं अब, तो मैं इसमें अभी जो हमारा ये पनीर है उसे मिला रही हूँ। अगर आपके पास खोया या फिर मावा है तो उसे भी आप मिला सकते हैं। और जो हमारा ये ड्राई फ्रूट मिक्सचर है और इलायची पाउडर है इसे भी मैंने इसमें मिला दिया है। अब मैं इसे और भी थोड़ा हिलाऊंगी जब तक ये सब एकजुट हो जाता है। पनीर और जो हमारा जो ड्राई फ्रूट का मिक्सचर था उसे डालने के बाद करीबन 25 मिनट मैंने इसको कॉन्स्टेंटली स्टर किया है, तो इसमें से जो पानी की मात्रा थी वो पूरी निकल गई है, आप देख सकते हैं। और ये हमारा अच्छे से ये लौकी का हलवा बन गया है, शाही दूधी हलवा। तो चलिए इसे प्लेट करते हैं।
हमने ये हमारा शाही दूधी हलवा सर्व कर लिया है, प्लेट कर लिया है। या आप गर्म भी सर्व कर सकते हैं, या फिर आप इसे ठंडा करके फ्रिज में रख के इसे चिल्ड सर्व कर सकते हैं। हमने इसे थोड़ा ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लिया है। आप भी आपके पसंद के ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर सकते हैं। आप इसे डेजर्ट की तरह सर्व कर सकते हैं, कोई मेहमान आए तो उनके लिए खास बना सकते हैं। तो ज़रूर ये वीडियो एंड तक देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए। ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक बताइए आपका कि आपकी रेसिपी कैसे बनी। वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल अमेरिकन दीदी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।